जहां पूरे देश में CAA और NRC एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है, रोज इसे लेकर नए विवाद और प्रदर्शन हो रहे हैं, वहीं एक ऐसा मुद्दा है जिस पर अभी किसी का ध्यान नहीं जा रहा है, जो आपकी और हमारी जिंदगी से जुड़ा हुआ है, वो है महंगाई दर, जो कि दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। आपको बता दें, स्टैटिस्टिक ऑफिस ऑफ इंडिया ने रिटेल दर यानी महंगाई दर के आंकड़े जारी किए हैं, जो कि 7.35 हो गए हैं। महंगाई पर मौजूदा सरकार लगाम नहीं लगा पा रही। दिन पे दिन खाने पीने की चीजें महंगी होती जा रही हैं। दिसंबर में खुदरा महंगाई दर में इतना इजाफा हुआ है जो कि नवंबर में नहीं था। दिसंबर में ये आंकड़ा 7.35 हो गया है, जो कि नवंबर में 5.54 था। इसके अलावा खाद महंगाई दर में भी बढ़ोतरी आई है, जो कि नवंबर में 10 था, वही दिसंबर में 14 हो गया है। ऐसे ही पेट्रोल डीजल की बात करें तो उसमें भी महंगाई काफ़ी बढ़ गई है। मौजूदा पेट्रोल और डीजल की दाम की बात करें तो बनारस में इस समय पेट्रोल का दाम 77 रुपीज़ है, वही डीजल का दाम 69 रुपीज़ है। आंकड़ों की माने तो प्याज, टमाटर और अन्य सब्जियों की कीमत में इजाफा होने का कारण खुदरा महंगाई दर है। इसके अलावा पेट्रोल डीजल के दामों में भी बढ़ोतरी का कारण खुदाई महंगाई दर है। और एक रिपोर्ट की माने तो पिछले 5 वर्षों में ये खुदरा महंगाई दर सबसे ऊँचे स्तर पर है, और भारतीय रिजर्व बैंक के मुताबिक ये समान स्तर से काफ़ी ऊपर जा चुका है। भारतीय रिजर्व बैंक की सामान्य दर होती है 2 से 6% तक होती है, जो कि इस समय 7.35 है। इसके अलावा एक रिपोर्ट के अनुसार मौजूदा वित्त वर्ष में नौकरियों में भी भारी गिरावट की आशंका है। एक रिपोर्ट की माने तो अर्थव्यवस्था में सुस्ती की वजह देश में बेरोजगारी है। वर्ष 2018-19 के मुकाबले इस वर्ष 2019-20 में 6 लाख नौकरियां कम होने की आशंका है। असम, बिहार, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और उड़ीसा जैसे राज्यों में मजदूरी और नौकरी के लिए बाहर गए लोग अब घर वापस आने लगे हैं। कारण क्या है? महंगाई दर। आइए अब जानते हैं इस पर अर्थशास्त्रों का क्या कहना है। अर्थशास्त्रों का कहना है कि सही वित्त पर किसी ने ध्यान नहीं दिया है और देश स्टैगफ्लेशन की तरफ जा रहा है, मतलब सुस्ती की तरफ जा रहा है। बेरोजगारी में बढ़ोतरी, ऊंची महंगाई दर और मांग घटने को स्टैगफ्लेशन कहते हैं। अभी तक इस पर मौजूदा सरकार का कोई जवाब नहीं आया है। देखते हैं कि मौजूदा सरकार इस पर क्या बयान देती है। तब तक के लिए देखिए Z News Digital Media। धन्यवाद।